श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पुनः निवेदन है कि वे सिंधिया स्कूल के ओर से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें श्री शिवराज सिंह जी चौहान का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री अजय सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर का स्वागत और अभिनंदन करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वे श्री जितेंद्र सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करें। राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय श्री जितेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय। आप सभी महानुभावों की उपस्थिति से सिंधिया स्कूल गौरवान्वित महसूस करता है। गालव ऋषि एवं गुरु गोविंद सिंह जी के तेज से प्रकाशित भूमि पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं स्वागत अभिभाषण के लिए विनम्रतापूर्वक आमंत्रित कर रहा हूँ सिंधिया स्कूल प्रशासकीय मंडल के अध्यक्ष श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। तालियों से स्वागत करें श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। हमारे इस मंच को सुशोभित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी विश्व स्तरीय में लोकप्रियता आज इतनी अपार हो चुकी है, हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल साहेब, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे शासक मंडल के सदस्यगण, हमारे प्राचार्य अजय सिंह जी, हमारे अध्यापकगण, हमारे स्कूल के समस्त छात्र जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमारे अभिभावकगण एवं पूर्व छात्रगण जो बड़े तादाद में विश्व भर पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इतिहास बनाने के लिए दशकों की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी एक ही क्षण में इतिहास बन जाता है। और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्ष की जयंती के अवसर पर हमारी संस्था की नए अध्याय की शुरुआत करती है। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं
कि सिंधिया स्कूल के इस 125 वर्ष के सफर में शायद ये हमारी संस्था की सबसे महत्वपूर्ण क्षण आज के समय में उपस्थित हो रही है। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी, सिंधिया स्कूल के समस्त परिवार गणों के तरफ से हमारे इस 125वीं जयंती के अवसर पर हम हृदय से कृतज्ञ हैं और आपके हृदय से हम आपके स्वागत करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने प्रधानमंत्री जी का सिंधिया स्कूल के परिसर में स्वागत करें। आज जो हमारे मन में भाव है उसका बखान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति ने आज स्कूल के एक एक सदस्य खुशी और गर्व से, तन और मन और दिल से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि शिक्षा केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक देश के भाग्य को बदलने का यंत्र है, और उसी सोच और विचारधारा के साथ हमारे संस्थापक माधव महाराज प्रथम ने सिंधिया स्कूल की आधारशिला रखी थी। केवल सिंधिया स्कूल की आधारशिला नहीं, लेकिन ग्वालियर में आधुनिकता की दीप जलाई थी, और इसलिए उन्हें नवीन ग्वालियर के निर्माता के रूप में पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। उनकी सोच और विचारधारा थी कि क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र के शासकीय अफसरों के लिए, जनसेवकों के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा नेतृत्व तैयार करने की एक संस्था होनी चाहिए, और इसलिए शुरुआत से आज तक हमारी संस्था भारत माता की संस्कार और भारत माता की संस्कृति, संस्कार और संस्कृति को लेकर आधुनिकता के रास्ते पर चलकर विश्व स्तरीय नेतृत्व पैदा करने के लिए सिंधिया स्कूल की संस्था सदैव संकल्पित रही है। हमारी सोच और विचारधारा कि जैसे जैसे सदियां बदलती हैं, विश्व में एक नई चुनौती या क्रांति आती है, सिंधिया स्कूल सदैव अग्रम पंक्ति में रही है उस चुनौती का सामना करने के लिए या उस क्रांति का भाग बनने के लिए। उदाहरण के तौर में सन 1980 में जब पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में शामिल हो रहा था विश्व भर में, सिंधिया स्कूल पूरे भारतवर्ष में पहला विद्यालय था जहां आईटी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और हम कल्पना करें, छठवीं सदी का ये दुर्ग है, और छठवीं सदी के दुर्ग में कंप्यूटर के प्रोसेसर की आवाज उस दीवालों तक गूंज गूंज तक पहुंची और हमारे एक एक विद्यार्थी के मस्तिष्क और दिल में पूर्ण रूप से स्थापित हुई। और वैसे ही आज जब विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का चुनौती है, तो फोर्ट बायोस्फीयर प्रोजेक्ट के आधार पर हम अपने नौजवानों में इसके सामना करने के लिए पूर्ण क्षमता तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सदैव ये कोशिश रही है कि अच्छा एक मस्तिष्क होने से ज्यादा अच्छा चरित्र हो। हमारी कोशिश रही है कि एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ साथ एक केयरिंग माइंडसेट एक एक बच्चे में पनपा जाए। और आज हमें गर्व है कि सिंधिया स्कूल के इस विशेष एवं शुभ अवसर को चिरस्थायी और अलौकिक बनाने के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके साथ में आज उपस्थित हैं। यहां बैठी हुई अमृत पीढ़ी के लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि इस अमृत पीढ़ी को एक रोल मॉडल के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। चाहे हम देखें नेतृत्व, कार्य करने की क्षमता, तौर तरीके, इन सभी में
एक केस स्टडी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री हम सब देशवासियों के समक्ष हैं। मैंने स्वयं 3 सालों में मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बहुत सीखा है। हमारे देश मां भारती के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कैसे कार्य करना, डिलीवरी पर फोकस कैसे करना, टाइमलाइंस का महत्व समझना और नेतृत्व जहां एक तरफ संवेदनशील भी हो और नेतृत्व में ह्यूमन टच भी हो, ये हमें प्रधानमंत्री के उदाहरण से अपने जीवन में अपनाने का अवसर मिला है। सिंधिया स्कूल के हमारे सभी विद्यार्थी भाग्यशाली हैं कि आज आप उस कालखंड में जी रहे हो जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व में अपना परचम 18वीं शताब्दी के बाद दोबारा लहराने के लिए अग्रसर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव कहते हैं कि भारत के लिए यही समय है, सही समय है। और आज मैं अपने स्कूल के बच्चों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने वो अवसर खोले हैं कि जब आप बड़े होकर विश्व में जहां भी जाओगे, आपके भारतीय होने के पहचान के आधार पर आपके लिए नए अवसर और नए सफलताओं के द्वार खोले जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर आज भारत ने अपना तिरंगा विश्व स्तर पर केवल नहीं मंडराया है, लेकिन भारत ने अपना तिरंगा चांद पे भी लहरा दिया है। G20 की भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिद्ध कर दिया है पूरे विश्व को कि जब when India grows, the world grows, when India reforms, the world transforms। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर हो रहा है, कल विश्व हमारे ही भारत पर निर्भर होगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज भारत 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है 9 वर्ष में 11 नंबर से, और अगले 4 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में उभरेगी। मेरे भाई और बहनों, लेकिन उसके पहले हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वयं जीवन में बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष को अपना सबसे करीबी मित्र बनाया है। आज आपके समक्ष हम संकल्प लेते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि आपसे और आपकी कार्यशैली से हम सीखते रहें और सही दिशा में अपने देश के निर्माण में एक एक व्यक्ति हम लोग सब अपना योगदान देते रहें। सिंधिया स्कूल के 125वीं जयंती पर मेरे तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अंत में हृदय के गहराइयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम कृतज्ञ हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। अब मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से कि वे हम सभी को संबोधित करें। तालियों की गड़गड़ाहट से आप स्वागत करें श्री शिवराज सिंह जी चौहान का। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके मुखिया आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, आदरणीय सिंधिया जी,
आदरणीय तोमर जी, जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्राचार्य महोदय अजय जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रिय साथियों, और प्रसन्नता की बात है कि छात्रों के साथ साथ पूर्व छात्र भी केवल देश नहीं, देश के बाहर से यहाँ पधारे हैं। आज सबसे पहले गालब ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर मैं अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए यही लोक और परलोक में, मतलब मनुष्य एक सफल सार्थक जीवन जीते हुए अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। भारत ने हमेशा कहा है, शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। पीढ़ियों द्वारा संचित ज्ञान को इस पीढ़ी तक और जोड़ के पहुंचा देना, ये ज्ञान देना है। मनुष्य को, विद्यार्थी को अपने भावी जीवन में आजीविका प्राप्त करने के लायक बना सके, ये कौशल देना है। और देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, परोपकारी नागरिक तैयार करना, ये शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सिंधिया स्कूल ने अपने स्थापना काल से ही इन तीनों लक्ष्यों की पूर्ति पर ध्यान देने का प्रयत्न किया है। इसके लिए मैं